व्हाट्सअप गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्मार्ट 20 प्रो प्लस के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आपने स्मार्टफोन बाय कर लिया है तो देन तो डेफिनेटली आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर नहीं बाय किया ये बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ वीडियो के स्टार्ट में, जो जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आपके लिए ये बेटर नहीं करती, जो प्रॉब्लम्स मैं बताऊँगा दोस्तों, जो प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ, तो देन डेफिनेटली जाइए अभी से स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। और मुझे किसी कंपनी ने कोई पैसा नहीं दिए, जेब से भाई पैसे लगाकर स्मार्टफोन बाय करते हैं। शुरू करते हैं। पहले दोस्तों जो प्रॉब्लम है वो इसको फिंगर को लेके, समटाइम दोस्तों इसका फिंगर वर्क ही नहीं करता। अगर आपके थंब पे थोड़ी सी भी डस्ट लगी है ये वर्क नहीं करता। मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ चार्जिंग स्पीड टेस्ट की, जो क्या होता है कि ये वर्क ही नहीं करता। स्मार्टफोन जब तो चार्जिंग पर लगता है, थोड़ा सा हीटअप होता है 10 मिनट के बाद, तो इसका फिंगर सेंसर काम करना ही छोड़ देता है। अब मैं दूसरा थंब ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर इसने ये वर्क कर रहा है, ठीक है। पहली बार में दोस्तों मिस हो गया, आई नो हो सकता है थोड़ा मेरा थंब भी साइड पर लग गया हो, बट ये वर्क कर रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम इसके साथ आ रही है। अगर आपने फेस किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये टेक्नो के स्मार्टफोन में ही है, ओप्पो और वीवो के स्मार्टफोन में भी ये प्रॉब्लम आई है फिंगर सेंसर वाली। मानना पड़ेगा दोस्तों इसका जो फिंगर सेंसर है कहीं ना कहीं दोस्तों कभी ना कभी प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करता है और इन फ्यूचर कर भी सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों पबजी की ग्राफिक्स, मीन्स कि दोस्तों माना अच्छा स्मार्टफोन है, एच डिस्प्ले है, 8GB 256 है और प्रोसेसर भी दोस्तों अच्छा प्रोवाइड किया गया। लेकिन दोस्तों अगर ग्राफिक्स की हम यहाँ पर बात करें ना, तो आपको स्मूथ अल्ट्रा पे मिल जाते हैं, बैलेंस HD पे, और यहाँ पर दोस्तों HD के बाद हाइपर, इसके बाद कोई भी हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा। दोस्तों हम यहाँ पर कम अज़ कम HDR तो प्रोवाइड कर देता। और दोस्तों पोको का X3 प्रो आया था बहुत पहले, आई नो जानता हूँ मैं दोस्तों बहुत पहले आया था, बट दोस्तों उसमें एक्सट्रीम तक पबजी खेल सकते थे। तो यहाँ पर दोस्तों अल्ट्रा HD भी नहीं है, HDR का ऑप्शन भी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी इसको जो ग्राफिक की सपोर्ट है वो हमें देनी चाहिए थी। अगर आप पबजी नहीं खेलते तो ये आपके लिए नहीं है भाई, ये आपके लिए मैटर नहीं करता। ये उन लोगों के लिए जो पबजी प्ले करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, और वो इस चीज़ को नोटिस भी करेंगे। अगर नहीं करते आप तो भाई छोड़ दीजिए, आप इसको बाय कर सकते हैं। अगली दोस्तों जो प्रॉब्लम है वो भी इसी को लेकर है, गेम प्ले को लेकर है। दोस्तों पबजी मैंने इस पर प्ले की थी, इसका मैंने पबजी टेस्ट भी किया है, और जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ तो दोस्तों लैगिंग देखने को मिलती है। ना तो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग इतने अच्छा रिजल्ट देती है, दूसरी चीज़ ये है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वक्त मैं दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, आपको 1080 का ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, 1080 पिक्सल पर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट कोई फ्रेम का ऑप्शन नहीं है। और अच्छी चीज़ ये है कि इंटरनल साउंड के साथ आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट दोस्तों जब आप गेम प्ले करते हैं, अगर आप यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करते हैं और दोस्तों, तो ये आपके लिए नहीं है, तो आप इस पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। एक तो स्मार्टफोन थोड़ा सा हीटअप होता है, दूसरी चीज़ ये कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर लैगिंग हमें देखने को मिल जाती है। मैं दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास वीडियो की रेजोल्यूशन 1080 720 और 480 पर दोस्तों आप शूट करते हैं, फ्रेम का तो दोस्तों सीन ही नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर। कि हमें FPS का ऑप्शन भी मिले, सिर्फ दोस्तों हमें यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया, मीन्स कि डेडिकेटेड ये पबजी के लिए, और स्क्रीन रिकॉर्डर जो गेमर होते हैं उनके लिए दोस्तों ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो थर्ड जो चीज़ है ना दोस्तों, जो फोर्थ जो चीज़ है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो दोस्तों इसका डिज़ाइन, मीन्स के आई नो जानता हूँ दोस्तों डिज़ाइन बहुत लोगों को पसंद भी आया होगा, बट दोस्तों इसका जो कैमरा बम्पर है इतना बड़ा है और थोड़ा और लग रहा है। दोस्तों आपको मे भी ये पसंद आए, लेकिन 90% लोगों को ये पसंद नहीं आया। एज डिस्प्ले ज़रूर है, अच्छी चीज़ है दोस्तों, ज़बरदस्त लग रहा है स्मार्टफोन दोस्तों। इसके अलावा रैम भी अच्छी है, स्टोरेज भी, प्रोसेसर भी, एवरीथिंग हर चीज़ ओके है। 120Hz का रिफ्रेश रेट है, बट दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है ना वो इतना को खास नहीं बनाएगा। मैं एक छोटी सी आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, देख लीजिए कि ये मेरा स्मार्टफोन बड़ा है, सॉरी यहाँ से आपको बेटर नज़र आ जाएगा कि ये डिफरेंस देख लीजिए दोस्तों आप, यहाँ से मेरा स्मार्टफोन कहाँ पड़ा हुआ है और यहाँ पर दोस्तों इसका जो कैमरा बम्प है, मीन्स के ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ थोड़ी गौर करने के लायक है। बट दोस्तों आपके लिए अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो जाइए बाय कर लीजिए। मैं इसलिए बार बार ये कहता हूँ कि ये दोस्तों हमारा काम है बताना, हमने ये बताना ही ज़रूर है कि इसमें ये अच्छी चीज़ है और ये बुरी चीज़ है, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हमने ज़रूर बतानी ही हैं। तो मीन्स कि अगर ये नीचे लगेगा ना आपका स्मार्टफोन, डेफिनेटली इस पर इतनी खराशें आएंगी ना कैमरे पर कि
दो तीन महीने यूज़ के बाद ना इसका जो पीछे वाला ग्लास है ना कैमरे वाला, वो तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाएगा और कैमरे की जो क्वालिटी है ना बहुत ज़्यादा दोस्तों इफ़ेक्ट करने वाली है। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फीचर इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया जो कि इन्फिनिक्स के 030 में मौजूद था, और कैमन के मतलब टेक्नो के जितने भी पुराने स्मार्टफोन हैं 25,000-30,000 वाले उनमें भी मौजूद था, बट इसमें नहीं प्रोवाइड किया गया। वो है दोस्तों ऑडियो प्लेयर। यूट्यूब में आने के बाद हमें वीडियो असिस्टेंट मिल जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों प्ले इन दी बैकग्राउंड मीन्स कि हम यूट्यूब को एज अ ऑडियो प्लेयर यूज़ ही नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्यों निकाला है ये फीचर? क्या हमने पैसे कम भरे हैं? जब 25,000 वाले स्मार्टफोन में दे सकते हो, कैमन 20 में आप दे सकते हो, या दूसरे जो स्मार्टफोन है ना दोस्तों, कैमन 18 आया था बहुत पहले उसमें ये मिल जाता है, इन्फिनिक्स के हर मॉडल में मिल जाता है, तो भाई इसमें क्यों प्रोवाइड नहीं किया? भाई ये फीचर होना चाहिए था प्ले इन दी बैकग्राउंड, यूट्यूब को हम एज अ ऑडियो प्लेयर यूज़ कर सकते, बट ये नहीं प्रोवाइड किया। अगर उसे आप फीचर्स की वीडियो देखना चाहते हैं मेरी चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, टॉप 10 फीचर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा टॉप 5 भी मैंने अपलोड किए हैं और 60+ टिप्स एंड ट्रिक्स फीचर के साथ वीडियो भी अपलोड कर दी है। तो ये थी आज की वीडियो, 5 प्रॉब्लम्स दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर कर दी, प्रोज एंड कॉन्स। दोस्तों अगर ये आपके लिए मैटर नहीं करती, इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो देन डेफिनेटली जाइए इसको बाय कीजिए, इंजॉय कीजिए। स्मार्टफोन ज़बरदस्त है, एच डिस्प्ले है, 8GB 256 की स्टोरेज है, 120Hz का बेहतरीन रिफ्रेश रेट है। गेमर अगर आप दोस्तों नहीं हैं देन भी दोस्तों आप अगर गेमर हैं भी तो भी बाय कर सकते हैं, अगर ये प्रॉब्लम आपके लिए मैटर नहीं करती कि ग्राफिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। लेकिन स्मूथ अल्ट्रा पर बड़ा अच्छा वर्क करता है, मैंने पबजी टेस्ट भी कर दिया है। ये जो चीज़ें दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर कर दी नहीं मैटर करती तो बाय कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर में जब वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।